एवरीवन, कैसे सब लोग आए? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, चिल कर रहे होंगे, नेटफ्लिक्स चिल चल रही होगी, ऐश चल रही होगी, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा है नहीं है वो तुम जानो। ठीक है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर की बात करने वाले इस वीडियो में, जल्दी से रिव्यू करेंगे, 5 से 7 मिनट में कॉलेज को निपटा डालेंगे, MBBS, MS, MD, MCH, DM सारे कोर्सेज देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कल तक तुम्हारा ये खत्म, मेडिकल वाला चीज खत्म। ठीक है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर MBBS, क्विक फैक्ट्स ऑफ कोर्स की बात करें, टोटल फीस 58 कितना, टोटल फीस 58.95 लाख। एग्जाम नीट अप्रूव, भाई बोलने का मन नहीं कर रहा भाई भी 60 लाख फीस, मतलब यार बहुत ज्यादा हो गया। ये टॉप कॉलेज में आता है, कॉलेज नो डाउट बहुत अच्छा है, सारी फैसिलिटीज सब कुछ आउटस्टैंडिंग होने वाली है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है कंट्री का, बट यार ये फीस अफोर्डेबल नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे बट ये फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये एक माइनस पॉइंट रह जाता है। और इतना फीस देने का भी मतलब नहीं बनता है यार, ऑफेंस नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो रियलिटी है मैं वही बताता हूँ और कुछ नहीं बताता मैं। कुछ लोग बोल देते हैं कमेंट में कि भाई तू इस कॉलेज को गलत बोल रहा है, मैंने गलत नहीं बोला है। वीडियो को 20 सेकंड पीछे करो, तुम्हें दिखेगा मैंने बोला है कि आउटस्टैंडिंग कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है मैंने बोला है, बट फीस बहुत ज़्यादा है और ये ट्रूथ है। 60 लाख मतलब 4 BTEC की डिग्री, 4 बार बीटेक कर लोगे और IIT से करोगे ना तो 6 बार, समझ रहे हो। एग्जाम नीट अप्रूवल, MCI सीट्स 250 और फुल टाइम ड्यूरेशन 5.5 इयर्स का कोर्स है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे नीट के थ्रू। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हारा होना चाहिए कि 10+2 तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करे होने चाहिए, प्लस एग्रीगेट, सॉरी नॉट एग्रीगेट, इंडिविजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में 50% होना चाहिए इंडिविजुअली, और जनरल OBC SC ST PWBD सबके लिए यही है, 50% इंडिविजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और कुछ नहीं। सॉरी सिर्फ जनरल फॉरेन और NRI कैटेगरी के लिए है ये। ठीक है, SC ST PWBD और OBC नहीं, सिर्फ जनरल फॉरेन और NRI कैटेगरी की, सॉरी दिल से। अदर डिटेल्स ऑफ दिस कॉलेज की बात करते, ओनरशिप प्राइवेट है, अप्रूवल्स कॉन्स्टिट्यूएंट है, जेंडर्स एक्सेप्टेड कोएड, एस्टैब्लिश्ड ईयर 1955, मतलब कितना साल, 50, 60, 70, 65 ईयर्स का कॉलेज है, बहुत ज़्यादा हुआ। कैंपस साइज बड़ा नहीं है, 31 acres का कैंपस है, तो एक छोटा कैंपस देखने को मिलेगा तुम्हें, मतलब मिनी पैकेज। टोटल फैकल्टी 396 है, स्टूडेंट्स इनरोलमेंट 2062 है। अदर अप्रूवल ऑफ दिस कॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंट, प्लेसमेंट्स कमेंट करो बताऊंगा, प्लेसमेंट जान नहीं है कमेंट करो बताऊंगा, मजाक नहीं सच में कमेंट करो बताऊंगा। फैसिलिटीज की बात कर दो, बॉयज हॉस्टल के गुड एकोमोडेशन, गर्ल्स हॉस्टल गुड एकोमोडेशन, मेडिकल हॉस्पिटल अवेलेबल, लाइब्रेरी तुम्हारा यहाँ पे सारे के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, ऑडिटोरियम इवेंट्स और सेमिनार्स के लिए अवेलेबल है, नए एसोसिएशन अच्छा है, जनरल सी चीज़ें ये सारी। ठीक है, लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं, स्पोर्ट्स तुम्हारे हर फैसिलिटी, स्पोर्ट्स में सारे स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जैसे तुम्हारे जितने भी आ जाते हैं क्लब्स सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस, बास्केटबॉल और फुटबॉल वगैरह जितने भी आ जाते हैं। कैफेटेरियाज की बात कर तो कॉलेज हैज़ अ कैंटीन फैसिलिटी फॉर स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, जिम यहाँ पे तुम्हें अवेलेबल मिल जाएगा, पार्किंग फैसिलिटी तुम्हें यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो बात करने वाले हैं यार हम लोग कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर की MS ऑर्थोपेडिक्स के लिए। ठीक है, MS और MD में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, हम लोग सबका रिव्यू नहीं कर सकते, इसलिए कुछ कुछ का रिव्यू करते हैं, मतलब टॉप ब्रांच का रिव्यू करते हैं। तो MS ऑर्थोपेडिक्स का रिव्यू करने वाले हैं हम लोग, क्विक फैक्ट्स ऑफ कोर्स देखते हैं, एग्जाम नीट PG टोटल फीस 78 लाख। ठीक है, 78 लाख टोटल फीस है, 1 लाख अगर तुम्हें मंथली मिल रहा है तो 36 लाख, तो 78 में से 36 हटा लो तो बाकी के 40 लाख बचते हैं जो कि तुम पे कर लोगे। अप्रूवल MCI अप्रूव्ड है और सीट्स यहाँ पे 6 है। कोर्स डिटेल्स की बात करें तो
फुल टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स का है, ठीक है, और 3 इयर्स का कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो जनरल, फॉरेन और NRI के लिए पास इन MBBS डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। द इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट शुड बी ऑन बिफोर 31 मार्च 2020। ये अभी लेटेस्ट इस साल के लिए, अगर तुम 2021 में दे रहे हो तो 31 मार्च 2021 होना चाहिए, तुम 2022 में दे रहे हो तो 31 मार्च 2022 होना चाहिए। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर की बात करते हैं, PG डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। कुछ फैक्ट्स ऑफ कोर्स देखते हैं, एग्जाम नीट PG डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स, एग्जाम नीट PG, अप्रूवल MCI, सीट्स यहाँ पे 5 सीट्स अवेलेबल हैं, और कोर्स डिटेल्स यहाँ पे 2 इयर्स का कोर्स होता है यार, और एडमिशन प्रोसेस तुम्हारा नीट के एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है तो वो तुम्हें पता होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही कि जनरल, फॉरेन, NRI के लिए कि पास इन MBBS डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और इंटर्नशिप कंप्लीशन शुड बी ऑन बिफोर 31 मार्च 2020। अब हॉस्टल और मेस फैसिलिटीज़ के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखो हॉस्टल तुम्हें सिंगल रूम मिल जाता है तो वो चीज़ सही है, ठीक है। हॉस्टल मतलब हॉस्टल को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्टल तुम्हें अच्छे मिल जाएंगे और सिंगल रूम मिल जाएंगे, डबल रूम चाहिए डबल रूम भी मिल जाएंगे, ठीक है। तुम्हें उसके बाद आते हैं हम लोग मेस फैसिलिटी में, तो मेस फूड बहुत अच्छा मिलेगा, वैरायटी मिल जाएगा, कोरा पे जाके पढ़ो मिल जाएगा वहाँ पे। मैं एक दो बच्चों से भी बात करके देख सकते हो, मतलब कोरा पे या फिर कहीं और से, तो मेस फूड भी वेरी गुड है, वैरायटी मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन में साउथ इंडियन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, कैफेटेरियाज अवेलेबल हैं, जिम अवेलेबल है। ऑल दो कॉलेज इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग कॉलेज, बेस्ट कॉलेज, यू कैन गो फॉर इट, बट द अफोर्डेबल प्राइस इज वेरी हाई, ओके। बस इतना सा कोई ये है कि फीस ज़्यादा है, बाकी सब चीज़ कॉलेज का आउटस्टैंडिंग है। कॉलेज प्राइवेट है यार, तो फीस जाना ज़्यादा होना मतलब बनता है, क्योंकि फंडिंग इन्हें गवर्नमेंट तो फंड करता है, इन्हें फंडिंग नहीं मिलती है, तो दे हैव टू बी गेट द थिंग्स फ्रॉम फीस, सो दैट इज़ नॉट द डिफेक्ट ऑफ कॉलेज बेसिकली। बट इफ़ यू कांट अफोर्ड इट एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, देन you have on that number of marks or on that particular number of cut off you can get a good government college. इसके इतना facilities available नहीं होगा, but you can get a good government college, that मतलब सही है, ठीक है। So I hope इस video को पसंद किया होगा तुमने, चैनल को लाइक किया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, और कल चार वीडियोज डलेंगी और तुम्हारा खत्म मेडिकल का खत्म। उसके बाद कमेंट करते रहना कि कौन सा किसका कॉलेज का चाहिए, सो उस हिसाब से बना देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।